नमस्कार आप सभी को। आज मैं ठंडियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। तो ये खास रेसिपी है गाजर का हलवा। बहुत ही आसानी से बन जाता है। ठंडियों की ये खास रेसिपी है, इसके बिना ठंडियाँ अधूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रेट किया हुआ गाजर ले लिया है आधा किलो, और इसे मैंने पतला पतला ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से, देख सकते हैं आप। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ये मोटे तले की एक कढ़ाई ले ली है, इसमें घी गरम किया है और इसमें मैं ग्रेट किया हुआ गाजर ऐड कर दे रही हूँ। और आपको हलवा बनाने के लिए मोटे तले की कढ़ाई का ही यूज़ करना है, ताकि आपका गाजर का हलवा चिपके ना, आराम से आप इसमें बना सकें, क्योंकि इसे बनने में समय लगता है लगभग 30 से 40 मिनट। तो इस वजह से थोड़े मोटे तले का बर्तन ही यूज़ कीजिए आप, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। और इसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे आपस में, और गाजर को हम घी में तब तक भूनेंगे जब तक कि घी जो है अलग से दिखाई न लग जाए गाजर से। बिल्कुल पहले तो ये घी को अब्सॉर्ब कर लेगा जो गाजर है पूरा, वो आप देख ही सकते हैं पूरा मिक्स हो जाएगा इसके साथ में। फिर जब हम इसे भूनते रहेंगे तो 10 से 12 मिनट बाद आपको दिखाई देने लगेगा कि घी जो है वो कढ़ाई में अलग दिखाई देने लगेगा गाजर को छोड़कर। तब तक भूनना है और ढक कर भूनेंगे हम इसे। तो इसे कुक होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब ये इस तरीके का दिख रहा है, ये आधा कुक हुआ है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा श्रिंक हो चुका है गाजर। और अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार फिर से। बीच बीच में आपको इसे हर 3-4 मिनट में चलाना है, इस तरीके से छोड़ना नहीं है, वरना ये लग जाएगा तली में। और इसे फिर से हम ढक देंगे और 6 से 7 मिनट और कुक करेंगे ताकि ये पूरी तरह पक जाए। तो इसे मुझे 6 से 7 मिनट और हो चुके हैं कुक करते हुए, और देखिए घी बिल्कुल अलग दिख रहा है कढ़ाई में, मतलब गाजर अच्छे से पक चुका है हमारा, भुन चुका है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर खोआ की जगह या मावा की जगह दूध ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मावा का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस वजह से ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और आप इसे कभी भी घर पर बना सकते हैं। तो हमारा जो है गाजर अच्छे से भुन गया है, तो अब इसमें मैं फुल फैट क्रीम दूध जो है वो ऐड कर दे रही हूँ अपना, आधा लीटर। आधा किलो मावा में मैं आधा लीटर दूध ऐड कर रही हूँ, ये हल्का गुनगुना दूध है। और इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और आपको अब इसकी फ्लेम फुल कर देनी है, हाई फ्लेम पे आपको इसे कुक करना है तब तक जब तक इसमें उबाल आ जाए। और जब इसमें उबाल आ जाएगा अच्छे से, तो आपको इसे पूरे टाइम चलाते रहना होगा, आपको इसे छोड़ना नहीं है, वरना ये उफन जाएगा और गिर सकता है। या फिर आप इसे मीडियम फ्लेम पर करके और पकाइए, और हाई फ्लेम पर ये थोड़ा और जल्दी पकता है। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है, तो अब आपको साइड से पूरी मलाई को छुड़ाते हुए चलाते रहना है इसे, और वैसा ही बिल्कुल हलवा बनता है जैसा ये मावा के साथ बनता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं कुछ, ये देखिए काजू, बादाम, किशमिश, इलायची का पाउडर, और एक जगह शक्कर ले ली है मैंने, और ये पिस्ता और काजू हैं कटे हुए गार्निशिंग के लिए। अब आप देख सकते हैं कि दूध हमारा ऑलमोस्ट अब्सॉर्ब हो चुका है हलवे के साथ में, हल्का सा गीलापन बाकी है इसमें, थोड़ा सा और कुक कर लेंगे हम इसे 2-3 मिनट। और 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि दूध पूरा पक गया है इसमें, बिल्कुल मावे के जैसे, और मिल चुका है पूरा इसमें और सूख गया है पूरा ये। तो अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर शक्कर ऐड कर देंगे या चीनी। तो मैंने शक्कर अपने मिठास जितनी मुझे पसंद है उसके हिसाब से ऐड की है। मैंने वैसे इसमें आधा कप चीनी ऐड की है आधा किलो गाजर के लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बस इसे मिक्स करने के बाद में आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद में ये तुरंत जल सकता है, तली में लग सकता है, इसलिए आपको लो फ्लेम में कुक करना है इसे। और अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, काजू, बादाम, किशमिश और इलायची का पाउडर ऐड कर चुकी हूँ पहले, तो इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर दे ताकि साथ में ये भी थोड़ा सा कुक हो जाए चीनी के साथ में ही, और अच्छे से मिक्स कर दें। और आपको इस पर कंटिन्यूसली ध्यान रखना होगा, चलाते रहना होगा, साइड से छुड़ाते रहिए इसे चलाते समय। हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है, चीनी पूरी अब्सॉर्ब हो चुकी है इसमें आप देख सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनकर तैयार हुआ है। आप इसमें चाहे तो 2-3 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैंने एक
इस तरीके के बोल में इसे निकाल करके पूरा इस तरीके से प्लेन कर लिया है, क्योंकि मार्केट में हम जाते हैं तो इसी टाइप से गाजर के हलवे को रखा जाता है। आपने देखा होगा किसी भी होटल में या किसी भी अच्छी शॉप पर हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि इस तरीके से गाजर के हलवे को सुंदर तरीके से एक पूरी प्लेट में प्लेन करके रख दिया जाता है बड़ी सी थाल में, और उसको सजा दिया जाता है ड्राई फ्रूट्स के साथ में। तो बिल्कुल उसी स्टाइल में हम बना रहे हैं इसको। तो मैंने इसे इस बोल में निकाल करके और ऊपर से जो कटा हुआ पिस्ता और बादाम है और काजू है, मैं उससे इसे इसकी कतरन से गार्निश कर रही हूँ। इस तरीके से आप गार्निश कर दीजिए। अगर आपको चांदी के वर्क से गार्निश करना है, अगर आपके कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप चाहें तो उससे भी गार्निश कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं इस तरीके से मैंने काजू के दो दो टुकड़े कर लिए हैं और उसे ही मैं बीच में इस तरीके से रखकर थोड़ी सी डिज़ाइन बना दूंगी फूल जैसी। और बस हमारा गाजर का डिलीशियस हलवा बनकर तैयार है ठंडियों में इंजॉय करने के लिए, मज़े लेने के लिए। तो इन ठंडियों में इस मीठे मीठे बहुत ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाजर के हलवे को बनाकर खाना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, हमारा माउथ वाटरिंग और डिलीशियस गाजर का हलवा बनकर तैयार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फूड एंड मोर विद आर्ची के साथ इसी तरह बने रहिए।